करते हैं प्रस्थान यहाँ से, और यहाँ अभी मुझे जाना है न्यूयॉर्क, तो यहाँ से पास में वेलिंगटन रेलवे स्टेशन है, वहाँ जाऊँगा और वहाँ से ट्रेन लूँगा, और उसके बाद में साउथ स्टेशन जाऊँगा और वहाँ से लेना है मुझे न्यूयॉर्क के लिए बस। और मेरा होस्ट यहाँ पे नहीं है अभी, तो उसने जो मेरे को की दी थी वो की मैं यहाँ पे टेबल पे रख दिया है। उसने मेरे को बोला था कि आप की को टेबल पे रख देना और घर को लॉक करके चले जाना, ऑटो लॉक हो जाएगा घर, लाइट ऑफ। वाकई में यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ओके, नाउ इट्स फाइन, तो अभी चलते हैं और बस पकड़ते हैं न्यूयॉर्क के लिए। यहाँ से 15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रेलवे स्टेशन है, तो मैं यहाँ से पैदल ही जा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ से पास से बस भी ले सकते हैं, लेकिन वो बस है वो थोड़ी देर से आती है, तो इतनी देर में मैं वहीं पे पहुँच जाऊँगा। तो ये है यहाँ के बंगले, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। सब लोगों ने सेम पैटर्न फॉलो किया हुआ है एक तरीके से, अच्छा लग रहा है देख के। और आप भी बताइए कि आपको बोस्टन है कैसा लग रहा है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं स्टेशन, अभी ये काफ़ी लंबा फुट ओवर ब्रिज था, बैक साइड से दिखाता हूं आपको। यहां से लेना है मेरे को टिकट, मैं टच करता हूं स्क्रीन को, टच किया तो यहां पे आ गया है। मुझे चाहिए वन वे, कैश है मेरे पास तो मैं कैश डालता हूँ, $1। कुछ और डालना पड़ेगा मुझे, नाउ मोर, नाउ इट्स कंप्लीटेड, सो नाउ टिकट इज प्रिंटिंग और ये मुझे मिल गई है टिकट। इस पे यहाँ पे बारकोड लगा हुआ है और ये मुझे जो बाकी के जो चेंज है वो भी मिल गया है। कार्ड है तो आप कार्ड यहाँ पे लगाओगे और जैसे हमने क्लिक किया तो हम यहाँ पे, आपके पास डेबिट है या क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे लगा के कर सकते हैं। टिकट लगाया, पीछे मिल गया, गेट ओपन हो गया है, चलता हूँ मैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ वेट यहाँ पे। ऑरेंज लाइन ट्रेन टू फॉरेस्ट हिल्स इज नाउ अप्रोचिंग। ओके, सो अभी ट्रेन है आ रही है यहाँ यहाँ पे, फॉरेस्ट हिल्स वाली जो ट्रेन है वो वाली लेनी है मुझे, और मैं डाउनटाउन क्रॉसिंग है यहाँ उतरूँगा और यहाँ से फिर दूसरी ट्रेन चेंज करूँगा। ये है ऑरेंज लाइन और फिर मैं लूँगा रेड लाइन और फिर मुझे जाना है साउथ स्टेशन और वहाँ से मेरे को न्यूयॉर्क के लिए बस मिलेगी। यहाँ पे जो भी ट्रेन है वो इतनी मेट्रो ट्रेन ही बोल सकते हैं इन्हें, ये इतनी फास्ट नहीं है क्योंकि ये पुराने वाली हैं, थोड़ी काफ़ी पुराने टाइम से चल रही हैं और इनको अभी इन्होंने अपग्रेड नहीं किया है। जो पुरानी चल रही हैं वो पुरानी चल रही हैं और जो नए स्टेशन जो भी बना रहे हैं उन स्टेशंस पे ये जो नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन है वो चला रहे हैं। तो अभी मुझे करनी है ट्रेन चेंज, तो मुझे लेनी है रेड लाइन, और रेड लाइन किधर है, रेड लाइन ये है रेड लाइन, और मुझे स्टेशन जाना है साउथ स्टेशन, तो ये है यहाँ पे साउथ स्टेशन। आपको मैं एक ख़ास बात बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे अक्स इन्फिनिटी के नाम से एक वाईफाई है जो इनिशियली आपको रजिस्टर करना होता है, आई थिंक वो 2-3 दिन के लिए फिर फ्री हो जाता है। तो जिस भी रेलवे स्टेशन पे या जो भी मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वहाँ पे आप जाओगे तो वो ऑटोमेटेड कनेक्ट हो जाते हैं। तो
तो ये एक अच्छी बात है। और बाकी आप किसी पर्टिकुलर किसी स्टोर में जाएंगे या पर्टिकुलर स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पे अलग से भी वाईफाई मिल जाता है। और सीट ये ट्रेन निकल चुकी है मेरी, तो अब मुझे फिर से दूसरी ट्रेन का वेट करना पड़ेगा। साउथ स्टेशन बस टर्मिनल पे मैं जाऊँगा, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 6 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मैं पैदल ही जाऊँगा वहाँ पे। ये जो एस्केलेटर लगा हुआ है बहुत छोटा लगा हुआ है, सिर्फ एक ही इंसान यहाँ पे खड़ा हो सकता है। अभी यहाँ पे एक एक्सप्रेस ट्रेन भी थी, तो वो भी न्यूयॉर्क जाती है, तो एक्चुअली में मैंने सोचा कि वो कम टाइम लेगी, तो उसमें चले जाते हैं और आपको भी कुछ नया दिखाता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी कॉस्टली है, $158 की प्राइस थी उसकी टिकट न्यूयॉर्क जाने के लिए, तो मैं नहीं जा रहा। अभी मैं बस ट्राई करूँगा, बस एक घंटा ज़्यादा लेगी लेकिन कुछ पैसे सस्ती होगी। बसेस टिकट्स एक्सप्रेस, यहाँ का बस टर्मिनल भी काफ़ी हाईटेक बना हुआ है। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो न्यूयॉर्क एंड लुकिंग फॉर टिकट। प्राइस $45। मुझे मिल गई है टिकट और मुझे अभी जाना है गेट नंबर 24 पे, तो आई हैव नो आइडिया वेयर इज़ गेट नंबर 24। हाई फॉर $40 के अंदर मुझे बस मिल गई है न्यूयॉर्क के लिए। यहाँ भी एयरपोर्ट की तरह है, मतलब जैसे फ्लाइट में बोर्डिंग स्टार्ट होती है वैसे यहाँ पे वही हो रहा है। तो बस आ गई है और मैं रखता हूँ अपना बैग। मैंने ले ली है विंडो सीट, और यहाँ पे अच्छी चीज़ है पैर रखने के लिए भी, मतलब पूरा हैंडल बना हुआ है, मस्त मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे लग गया है ट्रैफिक जैम, अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे ट्रैफिक है। पहुंच चुका हूं न्यूयॉर्क। सो मुझे लेना है बैग, सो यहां से मेट्रो लेके मैं अभी जाऊंगा अपने हॉस्टल जो मैंने बुक किया हुआ है। या श्योर सर, दैट्स माय मोटो इन लाइफ, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। लाइक इट, आई लाइक इट, आई थिंक दैट्स सो ट्रू, राइट? आई मीन फ्रॉम व्हिच कंट्री यू आर? जर्मनी। In month of January, I went to Germany.
You did? Yeah, I went to Berlin and Hamburg. Okay. Yeah, yeah. Cool. Yeah. So, and where are you from? India. India? When India? New Delhi. New Delhi, cool. Oh, my roommate is from India too. Oh, really? What do you do? I work for the government in DC. I'm going to Washington next. Okay. Yeah. I need to take a picture of your sign. Oh, sure. Yeah, you can take. तो अभी मतलब बहुत खुशी होती है यहाँ पे जब मेरा बैग के पीछे जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उसको देख के लोग मतलब उसकी फ़ोटो क्लिक करते हैं, मेरे से परमिशन लेते हैं और फिर मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं। सच में बहुत खुशी होती है। अभी ये जो लेडी थी ये जर्मनी से थी और ये वाशिंगटन डीसी में जॉब करती हैं, इन्होंने बताया मेरे को और उसने मेरे को इनवाइट भी किया है कि आप वहाँ पे जब आओ तो मेरे से मिलना ज़रूर। तो भैया ट्रेवल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको चलते फिरते लोग मिल जाते हैं और आपकी हेल्प कर देते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मेरा आगमन हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बोस्टन से ज़्यादा ठंड है यहाँ पर ऐसा लग रहा है। बाकी तो यहाँ पर जब हम 2-3 दिन यहाँ पर बिताएँगे तब पता चल जाएगा। How much price for this? Okay. How much? $1.65. Okay. Okay. And apple. $1 for one. तो basically मैं यहाँ से apple ले रहा था, लेकिन $5 में 5 apple लेना मस्त है। मैं एक एप्पल ले रहा था लेकिन इन्होंने दिया नहीं है। और यहाँ पे 6 केले मिले हैं मेरे को $1.75 में। तो आ गए हैं ग्रैंड स्ट्रीट स्टेशन पे। यहाँ पे फ्री वाईफाई भी है, साइन लगा हुआ है। सो यहाँ से मैं लेता हूँ टिकट। पे जो भी ये सबवे है इसके अंदर मतलब मैप नहीं लगा हुआ, अभी मेरे को पता भी नहीं चल रहा है कि मतलब ये ट्रेन कौन से स्टेशन आ गया कौन सा नहीं आया कहाँ पे पहुँच गई। अपने दिल्ली मेट्रो में ही अच्छी चीज़ है कि लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक लोकल और एक्सप्रेस दो ट्रेनें चलती हैं, तो मैं गलती से एक्सप्रेस में बैठ गया था और एक ट्रेजिडी भी हो गई है, छोटी सी ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो मैंने केले परचेज किए थे ना वो एक्सप्रेस ट्रेन में ही रह गए और मैं फिर लोकल में आ गया। यहाँ पे शाम के 5 बज गए हैं और अभी इतना अंधेरा हो गया है। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ हॉस्टल में। तो 4th फ्लोर पे मेरे को रूम दे दिया है और वहाँ भी स्टेयर्स हैं, लिफ्ट नहीं है। और मुझे अब खोलना है गेट। ये कार्ड है, लॉक है ये, मतलब एक तरीके से स्कैन करूँगा तो ये गेट खुल गया। ओके, तो ये है रूम जिसके अंदर इसमें टोटली 2 बेड हैं और इधर ये यहाँ पे एक सोफा लगा हुआ है।